देश में अब बर्ड फ्लू की बढ़ती आशंका और जिला के जमथल में 16 कौओं के मृत पाए जाने के बाद विभाग अलर्ट हो गया है और पशुपालन विभाग ने टीमों का गठन भी कर लिया है। वहीं पशुपालन विभाग के उपनिदेशक लाल गोपाल ने बताया कि गत दिवस जमथल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले कौओं में से 11 को पशुपालन विभाग ने तय नियमों के तहत दबा दिया है, जबकि 5 के सैंपल लेकर वन विभाग को दे दिए हैं। वन विभाग ने इन सैंपलों को आगामी निरीक्षण के लिए जालंधर स्थित रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भेज दिया है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि संबंधित कौए किस बीमारी से मरे हैं। यदि संबंधित मरे कौओं में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं तो विभाग संबंधित क्षेत्र के तहत 1 किलोमीटर एरिया के सभी पक्षियों को मार देगा तथा 10 किलोमीटर एरिया के पक्षियों के सैंपल लेकर उन्हें जाँच के लिए भेजा जाएगा, जिसको लेकर विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जी, जैसा कि इसमें हमें पिछले जो है वो हमें कौए मरे थे, 16 कौए मरे थे और वो तकरीबन 100-150 मीटर में फैले हुए थे। तो हमने उसमें से जो है वो 5 सैंपल भरे हैं और हमने डीएफओ फॉरेस्ट को हैंड ओवर कर दिए हैं, जो कि फर्द वो लेंगे आरडीडी जलंधर, जो रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जलंधर है चोन की। और अब जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आती हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं कि ये किस तरह से मरे हैं। इसमें जो है कई कारण हो सकते हैं, बीमारी कई लगती नहीं है तो, और जो है बर्ड फ्लू बीमारी की है तो उसमें जिस एरिया में भावर भी अगर वो किस वहाँ पाते हैं तो उसका एक्शन प्लान क्या होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो सारे पक्षियों को किल करनी पड़ती है, डिस्ट्रॉय कर देना पड़ता है। और चाहे वो ठीक भी हो लेकिन वो क्योंकि तो ये जो लक्षण क्या है वो इनक्यूबेशन पीरियड होता है हर एक बीमारी का, उसमें जो है वो लक्षण सामने नहीं आते हैं। तो लक्षण सामने आएंगे तो 1 किलोमीटर के लिए हम ये मान के चलते हैं कि उस बीमारी का जो है वो इनक्यूबेशन पीरियड में आ गए हैं वो पक्षी। हालांकि वो स्वस्थ नर जो आए वो स्वस्थ आएंगे लेकिन अगर उनको भी टेस्ट किया है तो हो सकता है वो भी पॉजिटिव हों क्योंकि इनक्यूबेशन पीरियड में होते हैं। तो हम उसका इंतजार नहीं करते फिर की भी उसमें लक्षण आए और उसके बाद जो है उनको हम जो है वो डिस्ट्रॉय करें। हमको उससे पहले ही एक्शन प्लान के मुताबिक 1 किलोमीटर के अंदर हम सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जो है वो आया जाता है हमारा अंडर सर्विलेंस। जमथल कौए मिले हैं उनकी हम रिपोर्ट कर रहे हैं और अब देखते हैं कि उसमें काफी उसके हिसाब से जो हमें चलना पड़ेगा।